OMG 2 का जो है टीजर आ चुका है, जहाँ इसके बारे में पहले से बात हुई कि अक्षय कुमार इसमें जो है भगवान शिव के भूमिका में नजर आने वाले, जिसके लिए वो जो है साल डेढ़ दो डेढ़ साल पहले जो है उज्जैन में जो है महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के पूजा करने के लिए करने भी गए थे। क्यों? क्योंकि बॉलीवुड वाले जो है ऐसे मौका तो खोजते हैं, ब्रह्मास्त्र में जो है काशी विश्वनाथ को दिखाया गया तभी तो लोग पूजा करने गए थे, लोग उन्हें बड़ा भक्त मान लेते हैं, लेकिन बिल्कुल गलत चीज़ है। टीजर आता है, टीजर में जो है पंकज त्रिपाठी का डायलॉग है जो कि है कांति शरण मुर्गर का जो किरदार निभा रहा है, जहाँ जो है हमें जो है OMG 2 12 में तो उसका जो है ग्लिम्स भी दिखाने को मिलता है, जहाँ कांजीलाल मेहता जो नास्तिक थे और जो हमारे कांति शरण मुर्गर है ये जो है आस्तिक है, दोनों में कंपेरिजन किया गया है, जहाँ अक्षय कुमार पहले कृष्ण बने थे अब वो जो है महादेव बने हैं। देखते हैं कौन से प्रोपेगेंडा, कौन से फिलोसॉफी या फिर कौन सा ट्रेंड बताते हैं अपना खिलाड़ी कुमार किरदार कुमार। तो बॉलीवुड से जो है आप क्या उम्मीद करोगे? LGBTQ एजेंडा के बारे में सुनने दिखाया जाने वाला था, ये मैंने पहले देखा था, इसके अलावा मैंने पढ़ा था साल डेढ़ साल पहले एक बात है। अब इसके कहानी को मैंने देखा जाके कि किस कहानी पे जो फिल्म बेस्ड है, किस फिलोसफी पे बेस्ड है, तो यहाँ दिखाया जा रहा है कि कोई प्रवेश परीक्षा या फिर कोई एक तरह की परीक्षा जिस पे जो है एग्जाम में प्रेशर में जो है स्टूडेंट डिप्रेशन में आ जाते हैं, क्योंकि इस टीजर में एक क्लिप दिखाया गया जहाँ उसका जो मतलब जो पंकज त्रिपाठी का कैरेक्टर उसका जो बेटा है वो साथ आत्महत्या करने की कोशिश करते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं, तो भगवान उसकी कैसे रक्षा करते हैं या उसको इस संकट से कैसे बाहर निकालते, क्योंकि इतना बड़ा भक्त है वो, तो इसके बारे में जो है इस फिल्म में दिखाया जाना, क्योंकि कहानी को उतना रिवील नहीं किया गया, केवल आस्तिक नास्तिक और इस फिल्म के जो भक्ति की जो भावना होने वाली, फिर अक्षय कुमार कुछ ग्रिम्स है नंदी जी हैं, फिर जो शिव भक्ति है कि किस तरह से जल चढ़ाते हैं भगवान को जो चढ़ता है, तो इसके बारे में जो फिल्म में दिखाया जाने वाला है। बॉलीवुड जो है अपना कौन सा पत्ता खेलता है, अपना कौन सा प्रोपेगेंडा दिखाता है, कौन से सेकुलरिज्म दिखाता है, ये फिल्म में देखना ही पड़ेगा, क्योंकि गदर 2 के साथ इसके टक्कर होने वाली है, देखते हैं कि गदर 2 इसके क्या इस फिल्म में दिखाया जाता है, क्योंकि बॉलीवुड से तो इतना उम्मीद नहीं कर सकता भाई, क्योंकि हिंदुत्व की बात हो और बॉलीवुड की बात हो दोनों का कॉम्बिनेशन हो तो फिर तो ये लोग आदि पुरुष ही बनाने वाले थे। तो डायलॉग में बोला जाता है कि भगवान अपने बंदों की रक्षा करते हैं और टाइटल है ओ माई गॉड, भाई गॉड मानी ओ माई गॉड, तो OMG 2 है टाइटल में और पंकज त्रिपाठी बोल रहे हैं भगवान अपने बंदों की रक्षा करता है और ये लोग दिखा रहे हैं शंकर भगवान की फिल्म सेक्युलरिज्म, अखंड सेक्युलरिज्म। पंकज त्रिपाठी जी आप इसके लिए क्या बोलते हैं? कुछ मत बोलो, सेक्युलरिज्म भाई साहब, बंदे बंदा वहाँ बंदा ये बंदा, क्योंकि भक्त तो कह ही नहीं सकते, क्योंकि लगे मोदी जी के भक्त अंधभक्त की तड़की, अब वो तो अलग ही टॉपिक है बॉलीवुड वालों का, तो यही बात है कि वो भक्त तो कहेंगे नहीं, इसलिए तो हर भगवान के बंदे अपने सभी बंधु पे कृपा करते हैं। कहते हैं कि बॉलीवुड अपना कौन सा नया अड्डा है, अपना एजेंडा है, अपना जो टॉपिक है, अपना सो कॉल्ड सेकुलरिज्म के नाम पर क्या दिखाता है, देखते हैं टीजर देखते तो कुछ समझ में नहीं आया कहानी, क्योंकि ये लोग आपको कहानी थोड़ी बता देंगे भाई, टीजर में कहानी बता देंगे तो फिर क्या होने वाला है। बताया जा रहा है कि ये जो कांति शरण मुद्गर है पंकज त्रिपाठी का जो करेक्टर जो कि उर्दू बोलता है बंदा कहता है, तो ये जो है किसी प्रॉब्लम है जिसको बताने के लिए शंकर भगवान के रूप में अक्षय कुमार आएंगे भैया, नंदी के साथ में आएंगे और शिव कृपा तो चल ही रही है। तो क्या आपने OMG 2 का टीजर देखा? क्या आप इसके लिए एक्साइटेड हैं या फिर आप भी गदर 2 वाली टीम में हैं? कमेंट करके बताइए। जय श्री राम, हर महादेव।